और ये हम लोग का मछली मारा हुआ देखे काफ़ी सारा। ये इधर छोटा मछली है, ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर उधर, और इधर इतना बड़ा मछली है। मेरे इस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है भाइयों। आज हम लोग मछली मारने जा रहे हैं, जलना जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लड़के लोग हैं। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है। और फिलहाल मैं भी घर आया हुआ हूँ, तो गाँव में बहुत सारे लड़के लोग हैं और लड़के के पास बहुत अच्छा अच्छा फ़ोन है, तो वही लोग का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ आज वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो नहीं बना पा रहा उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कर दो। और हम लोग मछली मारने नहीं, मस्ती करने जा रहे हैं। आप लोगों को सब लोग से मिलाता हूँ, कितने बंदे लोग हैं यहाँ पे। ये है राहुल, कुछ बोलना है? मछली मारेंगे हम लोग। ये बिल्ला तो जा रहे हैं मछली मारे जाते हैं। और यहाँ है पुष्पा है। हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। और ये हम लोग प्रो, सबसे ज्यादा मछली यही मारेगा। देख रहे हो पूरा सूट बूट पहन के जा रहा है मछली मारने। वाह क्या बात। और ये गांधी भाई और यहाँ पे उजीत है, और इसी के साइकिल में बैठूंगा। और यहाँ पे हमको तो जानते ही हो गए। अगर आप लोग वीडियो देखते रहते हो तो जरूर जानोगे कि ये कौन है, कोरोना वायरस। हाँ जी गाइस, हम लोग जितने हम लोग लड़के लोग थे सब लोग हम लोग मछली मारने के लिए निकल चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे गांव के हल्का सा दूर में यहाँ पे रोड आती है, तो हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ से करीब लगता है मेरे को सर 10 किलोमीटर होगी। हम लोग को 10 किलोमीटर साइकिल से चला के जाना पड़ेगा। और पता है यहाँ पे देखो, देखा कैमरा मैन, ये जो देख रहे हो ना, ये खेत इतना ही घटिया खेत है कि सोचो इधर से हम लोग को साइकिल से आना पड़ा, वो भी कितना टाइम लगा यार। आप लोग लग रहा है ना कि ये हम लोग क्यों लगाए ऐसे करके। और देख सकते हो ये इधर इसे दिखाओ, ये टोपी पहना है और कैमरा मैन टोपी पहना है, और करीब सब लोग अपना सर ढका हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यार। अभी प्लस सुबह के 10 बज रही है और इतना हम लोग धूप में यहाँ मछली मारना पड़े हैं। हम लोग करीब करीब हम लोग यहाँ पे जो जल्ला है यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से और थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे मेरे पीछे देखिए, और थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, यहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहा है। और हम लोग जाके आपको दिखाएंगे और देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे पीछे है और फिर मेरे आगे देखिए, हाँ इधर भी है। और यार धूप, इतना ही धूप, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा धूप है, सब अपना सर ढका हुआ है। ये तो पूरा सर मुँह सब मुँह का सब ढका हुआ, ये पूरा ढका हुआ, क्या हुआ नहीं फट गया बेचारा का, बोल रहा है इतना दूर आगे मेरा फट गया, मुँह सब पूरा सूख गया है, बहुत तकलीफ है। पर कोई नहीं, अभी हम लोग अभी पहुँचे कहाँ हैं, अभी पहुँच ही रहे हैं। और यार मेरे को तो और 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा हम लोग को कसम से, पास ऑलरेडी हम लोग 10 किलोमीटर आ चुके हैं साइकिल से, और हम लोग पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि इधर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हम लोग ये जाल और उसमें बोरा में भी है और भी बहुत कुछ है, वहाँ पे पहुँच के जब हम लोग खोलेंगे जाल वगैरह तब तब आप लोगों को दिखाएंगे, तब आप लोग देखिएगा क्या क्या है हम लोग के पास, है ना। और देखिए यार यहाँ पे देखो, ये सब घास वगैरह सब सूखा हुआ था, ये सब जला दिया आदमी लोग ऑलरेडी यार, पानी बारिश वगैरह नहीं हो रहा है, ऑलरेडी पानी की कमी है, ऊपर से ये जला दे रहा है, कितना दिक्कत है यार। क्या हुआ क्या बस बोलो यार, कुछ बोलना है तो कुछ बोलना है तेरे को, कुछ भी नहीं बोलना है क्यों? मैं नहीं बताऊंगा, वहां जाकर बोलूंगा। कहाँ पे जाके? वही मकसद है। भाई बोल रहा है यार, रोहित भाई बोल रहा है कि वहां जाके बोलेंगे जहाँ मकसद है, मतलब जल्ला पहुंच के। एक्चुअली क्या बोलते हैं जल्ला को, तो हम लोग तो अपना लैंग्वेज में जल्ला बोलते हैं, पर जो हिंदी में बोलते हैं वो झील होता है, तो झील के अंदर ही हम लोग घुस के मछली मारेंगे। और हम लोग नहीं, करीब यार बहुत मेरे को लगता है ना करीब करीब शायद 200, 300, 400, 500 से अधिक सर लोग आए हुए हैं यहाँ मछली पकड़ने के लिए। अब जब हम लोग वहाँ पे घुसेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे, तो विश्वास नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम जब आप लोग देखोगे ना पूरा विश्वास करोगे।
कि मैं झूठ नहीं बोलता। देखो यार ये इसका KTM 390 क्या करता है यार, देख रहे हो KTM 390 और इसका स्कूटी, ये किसका स्कूटी है, यू का स्कूटी, और इसका कौन सा भाग है भाई तेरा, कौन सा भाग है ये? ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे हीरो होंडा है, ये तो हीरो होंडा है। और इसका यार ये भी केटी है। ओ भाई साहब, इधर निंजा का आवाज़ आखी, और आगे से आ रहा है, आगे से और भी बाइक आ रहा है। देखो यार बाइक, कौन सा बाइक है, BMW इसका, BMW। और इसका ये, ओ भाई साहब ये तो स्कूटी है, ये तो स्कूटी है, स्कूटी पर जाले भर के लेके जा रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था, सारा व्यवस्था लिखा है, पंप है, अगर हवा निकल जाएगा किसी का, क्योंकि धूप इतना है ना, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप है यार, धूप इतना ज़्यादा है ना, क्या बोलो। और झोला में क्या गया पता है यार, प्यार से चिरा के लाए मच्छर तो नहीं थी। ओह माय गॉड, ये तो मच्छरदानी चुरा के लाया घर से मछली मारने के लिए। और देख सकते हो यहाँ पे पिछले इसको मच्छर काटता है, देखो मेरा हाथ कहाँ से जा, देख सामने मेरा हाथ जा रहा है ना, कितना सारा बाइक वगैरह, बाइक है, बुरा है, लगता सब में मछली भर भर के ले जाएगा लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग आया हुआ है दूर, काफ़ी दूर में पता है पानी पूरा एकदम घुसा हुआ है, 500-600 आदमी लोग यहाँ से दिख नहीं पा रहा सही से, हम लोग जब अंदर जाएंगे तभी दिखेगा आप लोगों को। किल लो गाइस, वो खा लो, हाँ मछली मार रहे आ रहा सब मछली मारने आ रहा है, क्या है ना, सब मछली मारने आ रहा है। वही तुम क्या बोल रहा है, मछली मरने बुला रहा है कि मारने बुला रहा है? मारने, मेरे को लगा ये मछली मरने बुला रहा, मारने नहीं, मरने आओ। बेचारा को बहुत तकलीफ, दुख तकलीफ से जा रहा है यार, रोड नहीं है, खेत खेत पार कर पा रहा है। क्या क्या स्पाइडरमैन बन गया था, कौन ये बचा लिया, कैसे कैसे गिर रहा था बचा लिया, ओ ऐसा यार, ये अब इसका स्कूटी गिरने वाला था पर गिरते गिरते ये बचा लिया, लगता पहले ये स्पाइडरमैन था, लगता है ये ज़्यादा स्पाइडरमैन वाला मूवी देखता है। ये देखिए आप लोग कितना सारा साइकिल, बाइक साइकिल इधर भरा पड़ा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा बाइक साइकिल भरा पड़ा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना आदमी लोग यहाँ पे आया हुआ है। अंदाज़ा क्या, आप लोग जब लोग घुसेंगे अंदर तब दिखाएंगे, तब आप लोग यकीन हो। अरे यार एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम लोग का फ़ोन तो है पर वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर भींगेगा तो यार हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहली बात तो फ़ोन से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वो फ़ोन मेरा भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसका कैमरा ख़राब हो चुका है, और ये एक लड़का है उसका मैं फ़ोन मांगा हुआ हूँ, और अगर कुछ हो जाता है तो यार मेरे को पूरा रिस्क, मैं पूरा रिस्क में लाया हूँ, अगर कुछ हो जाता है यार सारा पैसा मेरे को भरना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा रिस्क भी सही नहीं है, अगर मेरा रहता तो मैं पानी में डुबा डुबा के वीडियो बनाता, कितना सारे लोग लाइन लाइन से जा रहे हैं, सारे हम लोग पार्टी लोग हैं, करीब हम लोग 20 जन आए हुए हैं, 20 जन तो आए हुए हैं, पर पता नहीं यार कितना मछली हम लोग का जाएगा, मतलब कितना हम लोग मछली पकड़ते हैं वो तो उसी टाइम पता चलेगा जब पकड़ाया जाएगा। इसको हम लोग पूरा बॉडी में, सब लोग जितने यहाँ पे लोग लड़के लोग हैं ना, सब लोग अपना बॉडी में लगाएगा, फिर विश्वास करो, क्योंकि यार ये पता है सबसे पहले किसी लगाते हैं, क्योंकि जब हम लोग जल्ला में घुसेंगे बहुत सारे क्या क्या कीटाणु सब क्या क्या उन लोग का अटैक मारेगा हम लोग का, और इसको लगाने से क्या होता है खुजली नहीं लगेगा, अगर इसको हम लोग नहीं लगाएंगे तो इतना कष्ट खुजली लगेगा ना, रात में सो नहीं पाएगा ये तो यही बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत बार मछली मार चुका है, और ये एक बार लगा था तुम, रुको ना यार मेरे को लगाना है, देख रहे शुद्ध सरसों का तेल, किसी के नेता लगाओ रहे सबसे बेस्ट रहेगा, सबका साइकिल का हवा निकाल रहा है यार, हम लोग इधर कैसे जाएंगे, मतलब ऐसे हवा नहीं निकालेंगे ना तो धूप के कारण चक्का फट सकता है, इसी के कारण हवा सब निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर जाते समय पंप है ना वहाँ पर दिखा देते हैं, इसलिए लाए थे पंप, हवा भर सके लास्ट में, हवा सब निकल जाएगा तो फिर चलते हैं उधर,
जल गई और बड़ा है तू भी बड़ा है ये भी बड़ा है सब बड़ा है ये मछली पटाने में बड़ा है वो लड़की पटाने में बड़ा है तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे जो पहुँच चुके हैं आप लोग भी देख चुके हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं कब का करीब हम लोग 10 मिनट हो चुका है यहाँ पे और हम लोग तभी रेडी हो रहे थे बहुत कोई मतलब बहुत कोई सरसों का तेल लगा रहा था क्योंकि तेल लगाने से हम लोग कुछ दिन नहीं होगा इसलिए सब लोग हम लोग बॉडी अपना तेल लगा चुके हैं और ये जो यहाँ पे जाल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे तो ये जाल है ये इसको भी हम लोग रेडी कर चुके हैं और फिलहाल ये लोग भी थोड़ा खोल रहा है क्योंकि हम लोग घर से ही करके लाए थे मोड़ के लाए थे और यहाँ पे ये लोग भी लगा चुका है और कुछ ही देर में हम लोग फिर अंदर घुसेंगे और अगर आप लोग शायद अगर देख पा रहे हो तो देख सकते हो थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों को हाँ देखो जो जो छोटा छोटा दिख रहा है ना पानी में सब आदमी लोग है तो समझ सकते हो कितना सारा आदमी लोग आया हुआ है यार देख लो कितना दिक्कत से घूम रहे हैं यार अरे गाली ना देने अरे भाई बोलो गरम टप्पो चल रहा है ओह माय गॉड अरे यार बहुत ठंडा है पानी हम लोग मछली मार के निकल चुके हैं बाहर और जब हम लोग घुस रहे थे उस टाइम शायद 11 बज रही थी और अभी 1:30 हो रही है समझ सकते हो कितना हम लोग कितना टाइम लगा हम लोग को मछली मारने में और ऐसे भी हम लोग का फिर बहुत टाइम है तो भी फिर हम लोग भी देख रहे उधर उधर फिर हम लोग घुसेंगे थोड़ा सा कपड़ा सब गीला हो गया और ठंड लग रही है तो हम लोग थोड़ा बाहर निकले हुए हैं अभी जो हम लोग इधर इस साइड घुसे थे मछली मारने और इधर से हम लोग मछली मार के आ चुके हैं और अभी हम लोग घर जाना है और आप लोग देख सकते हो हम लोग काफ़ी सारा हम लोग मछली मार चुके हैं वो दिखाता हूँ देखो काफ़ी सारा ये इधर है छोटा मछली है ये इधर फिर इधर फिर इधर फिर उधर और इधर इतना बड़ा मछली है जब ये गंदा है सब घास वगैरह सब है तो इसको हम लोग कुछ हटाना है फाइनली गए हम लोग मछली मार के अभी घर जा रहे हैं और अभी शायद करीब शाम का 5 बज रहा है तो आप समझ सकते हो हम लोग सुबह यहाँ से 11 बजे आए थे मछली मारने और अभी 5 बजे जा रहे हैं कितना लंबा टाइम हम लोग बाहर हैं काफ़ी भूख लग रही है यार सुबह बस खाना खाए थे और पूरा दिन हम लोग भूखे मछली मारे और क्या बोलते हैं कि अभी हम लोग जितना मछली मारे हैं अभी हम लोग घर पहुँचेंगे फिर उसको जितने यहाँ पे सारे लड़के लोग हाँ इधर 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 देख सकते हो इतने सारे लड़का लोग इधर आगे हैं फिर इधर भी पीछे है तो सब में हम लोग मछली का बंटवारा करेंगे और इसके बाद फिर सबके घर में मछली बनेगा और कहीं ना कहीं आप लोग एक बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार ये मछली तो मारने गया था पर दिखाया नहीं कि मछली लोग कैसे मार रहा था वो इसलिए नहीं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पानी था और हम लोग पूरा डूब डूब के मछली मार रहे थे और ऐसे में अगर हम लोग फ़ोन अंदर ले जाते तो बहुत रिस्की था फ़ोन डूब जाएगा फिर बाकी बात तो सब लोग कोई जाल पकड़ा था कोई झोला पकड़ा था किसी का हाथ खाली था नहीं तो ऐसे में वीडियो भी बनाना बहुत मुश्किल था अंदर उसकी वजह से मैं फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाया।